तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की हैं, जहां कुछ दिन पहले तक हरियाणा सरकार में शामिल विधायक सोमवीर सांगवान किसानों को संबोधित कर रहे हैं। सरकार से सारे नाते तोड़ने के बाद सोमवीर सांगवान अब पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। इससे पहले सोमवीर सांगवान ने किसानों को समर्थन में सरकार द्वारा दिया गया चेयरमैनी का पद ठुकरा दिया था और फिर सरकार से समर्थन वापस भी ले लिया। यही वजह है कि वो अब किसानों के बीच हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ रही हैं। मंच से अपने संबोधन में सोमवीर सांगवान ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चार दिन से SYL का मुद्दा उठाकर सरकार किसानों को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम पानी का क्या करेंगे। भाइयों ने नेतृत्व किया, आज ये पूरे दुनिया का नेतृत्व आप लोग कर रहे हो, पूरा हिंदुस्तान की जनता आपके साथ खड़ी है और जब जब भी जरूरत पड़ी देश को, इस भारतवर्ष को समय समय पर सिख गुरुओं ने और सिख धर्म के अनुयायियों ने देश का नेतृत्व किया, इस धर्म को बचाने में और हिंदुस्तान को बचाने में सबसे ज्यादा योगदान तो सिख गुरु और सिख धर्म का था मेरे बुजुर्गों भाई। आप लोग पिछले दो चार दिन से देख रहे होंगे SYL का मुद्दा उठाया जा रहा है जबकि आज उसकी जरूरत नहीं है। अगर जमीन नहीं बचेगी तो उस पानी का क्या करेंगे, इसलिए पानी का आज कोई मुद्दा नहीं। होली के गीत दिवाली को गाने की बात करें, कुछ नेता लोग हमारे इस भाईचारे को, इस संगठन को, इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए हम सब भाई एक हैं। छत्तीस बिरादरी का पूरा समाज आपके साथ खड़े है, चिंता छोड़ रहे इस बात की। आप इसी पर गौर डटे रहे, हिंदुस्तान की 85% जनता जो छोटी किसानी करने वाली, मैं तो मोदी जी से भी ये कहूंगा कि ये वक्त है, इस मौके को मत चुकना। जिस प्रकार राकेट छोड़ते समय उल्टी गलती शुरू होती है, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी पर भरोसा किया था, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन किन हालात परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार राफेल का सौदा हुआ, राहुल गांधी ने उठाया लेकिन उस मुद्दे को दबा दिया गया, गलती उसमें भी थी लेकिन उसी के तहत इस आंदोलन को दबाना चाहता है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान के हर बच्चे की आवाज है, मोदी जी ये दबेगा नहीं, अभी वक्त है, जितना भी जल्दी हो सके तीन कानून वापिस करके इस किसान के भलाई में आपके फैसला ले। सोमवीर सांगवान ने कहा कि सरकार होली के गीत दिवाली पर गाकर किसानों को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन हरियाणा के किसान इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने सिख धर्म की जमकर सराहना की। बता दें कि किसान आंदोलन शुरू होने से पहले कांग्रेस और NLO को छोड़ सभी विधायक सरकार और कानूनों का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे किसानों की भीड़ बढ़ती गई, आंदोलन लंबा खींचता गया। एक एक कर सभी निर्दलीय विधायक किसानों के समर्थन में आ गए। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी TV।